पानी जो है वो आप थोड़ा सा ले सकते हो, 250 ml जैसा। बहुत सारे बिगनर्स हैं जिन्हें स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम आती है कि भाई कौन सा सप्लीमेंट ले और भाई कौन सा हमें प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए, ऑथेंटिक कौन सा होता है, कौन हमारे बॉडी के लिए बढ़िया सूट करेगा। तो आज मैं आपको वही समाधान देने वाला हूँ, क्योंकि बात आती है क्रिएटिन की तो लोग बहुत भड़क जाते हैं और लोग बहुत अजीब सा बिहेव करने लगते हैं। देखिए, बात यह है कि अगर आप क्रिएटिन के बारे पूछना चाह रहे हो कि हाँ उसे लेना सेफ़ है या नहीं है, कौन से ब्रांड का यूज़ करना चाहिए, कितना अमाउंट यूज़ करना है या नहीं करना है, बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं सारे लोगों के दिमाग में आते रहते हैं हम जैसे बिगनर्स के लिए। तो हमारे बिगनर्स भाइयों के लिए ये वीडियो खास है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। आगे इस वीडियो में अभी बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि हम लोग अभी आपको सारा 1-to-1 करके प्रोसेस बताने वाले हैं कि आपको कौन सा लेना चाहिए। मैं एक रिकमेंड भी आपको दे दूंगा, बाकी आपकी इच्छा है। उसके बाद हम लोग उसको यूज़ भी करके दिखाएंगे और उससे क्या बेनिफिट आता है वो भी देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो है मसल एसएलएम का क्रिएटिन है और मैं अभी आपको इसको बेनिफिट बताऊंगा और अभी मैं आपको इसको यूज़ करके भी दिखाऊंगा। तो ये काफ़ी बढ़िया है मुझे तो लग रहा है, और इसका जो फ्लेवर है वो फ्रूट पंच वाला है। तो ये 250 ग्राम का पैकेट है, और इसे कैसे और कब लेना है सारा चीज़ अभी देखेंगे। ये हमारे परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करता है, रिकवरी में बहुत अच्छे से मदद करता है, इंजरी होने से बचा देता है, और जो हम वेट है वो बढ़ाकर उसमें मार सकते हैं, मसल मास जो है वो ट्रेनिंग के दौरान बढ़ा देता है। ये सब फ़ायदे बहुत हैं। जिम में आपको लगता है ना अब आप नहीं कर पाओगे तो अब कर पाओगे। ऑथेंटिकेशन के लिए चेक करना बहुत ज़रूरी है कि जो ब्रांड हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो ऑथेंटिक प्रोडक्ट हमें मिला है या नहीं है। तो आप व्हाट्सएप पे या फिर इसको स्कैन करके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब इसे हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो इसका जो स्कूप है उसको हमें हाफ लेना है, ये इतना आप ले सकते हो, और पानी जो है वो आप थोड़ा सा ले सकते हो 250 ml जैसा, और इसमें हम लोग इसको अभी मिक्स कर देंगे। तो ये मैं वर्कआउट से पहले ले रहा हूँ। टेस्ट इसका अच्छा है क्योंकि ये फ्रूट पंच फ्लेवर का है। बढ़िया। जैसा कि आप देख रहे हो मैं जिम पर आ चुका हूँ और मैंने बाइसेप्स की वर्कआउट आज कर रहा हूँ। तो ये जो है मसल देख रहे हो आप, पंप हो रहा है बहुत बढ़िया से, और पावर जो है वो अच्छे से मिलने वाला है। तो जिसमें आप जो लास्ट रेप्स जो होता है लास्ट रेप वो नहीं कर पाते हैं रेपिटेशन, तो उसमें आपको ये हेल्प करेगा और आपकी जो मसल रिकवरी वो बहुत बढ़िया से होगी। और आप जिम में जो बोलते हो ना अब और नहीं हो पाएगा बस, तो वो आपका एक जो दो सेट और होता है वो हो जाएगा। तो आप पंप देख रहे हो, ये देखो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पंप आ रहा। ये सारा वर्कआउट आज हम लोग देख ही लेते हैं बाइसेप्स का ही, तो अभी रॉड से कर लेंगे हम लोग। तो ये मैंने 10-10 kg का वेट लगा रखा है, उसके हम लोग 12 रिपीटेशन करेंगे, 3-3 सेट सारे के करने हैं। तो कोशिश करना है जो लास्ट रेप नहीं जा पाता है उसे भी हमें ले जाना है पूरे पावर के साथ, पूरे जोश के साथ। बहुत सही। नाउ नेक्स्ट वर्कआउट फॉर बाइसेप्स। So this is for biceps concentration and our muscle is now activated and we feel the pump. Yes. तो इसके भी हमें 12 से 10 repetition लगाने हैं और 3 सेट के ही होने चाहिए ये भी। तो आप देख रहे हो मैं सारा वीडियो इसलिए मैंने प्रॉपर सारा वीडियो आपको डाला है लाइव, ताकि आप खुद देख सको, कोई गैप वगैरह इसमें हम लोग नहीं ले रहे हैं, डायरेक्ट ये जो वीडियो है वो बनाते जा रहे हैं। इस वीडियो को देखकर आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, अगर आप बिगिनर हो तो आप वर्कआउट भी देख सकते हो, जो जो मैं वर्कआउट कर रहा हूँ आप उसे सेम कॉपी भी कर सकते हो, ऐसे वर्कआउट भी कर सकते हो आप। तो आज तो भाई डोले शोले बना लेना है ओगी के भाई की तरह। ओए मेरे डोले शोले बन रहे हैं ये देख ओगी, ओए ओए मैं तो राजा हूँ इस दुनिया का राजा, ओए मैं तो पापा हूँ इस दुनिया का पापा, ओए। बीच बीच में थोड़ा रिलैक्सिंग और हंसी मजाक बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको भी अच्छा लग सके और आपका मूड जो बेहतर रह सके। तो ये मैंने लास्ट में थोड़े से ट्राइसेप्स भी मार लिए हैं,
तो बताना आपकी आपको वीडियो कैसी लगी आज की, और क्या जानकारी आपको मिल पाई है, और आप क्रिएटिन यूज़ करते हो कि नहीं, कौन से ब्रांड का यूज़ करते हो, आपको क्या फ़ायदा हुआ है, बताना ज़रूर।